हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लासेस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर। देखिए, पहला जो चरण हुआ मतलब कि सातवें चरण का पहले फेज का जो है रिजल्ट आ चुका है 1 to 5 का, कल आया। बाकी इससे पहले 11, 12 का आ चुका था, बचा हुआ 9, 10 का, वो भी रिजल्ट आपको जल्दी देखने को मिलेगा। इसी बीच आपको एक अच्छी खबर ये देखने को मिल रहा है कि जो दूसरा चरण होगा जिसको 2.0 नाम दिया जा रहा है, उसमें आपको 1,20,000 वैकेंसी आएगा। मतलब ऐसा बोला, अभी तक तो यही सर्कुलेट हो रहा था कि आपको 70,000 वैकेंसी आएगा, जिसमें आपको 6 to 8 में 32,000 वैकेंसी आएगा और 9, 12 में लगभग आप 40,000 वैकेंसी आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर जो है कल रिजल्ट आया, उसके बाद रिजल्ट पे आने के बाद आप ये खबर देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है दूसरे चरण में 1,20,000 व्यक्ति आएंगी। तो अच्छा, ये एक अच्छी खबर है। देखिए, बीपीएससी को ही मिलेगा जिम्मेदारी, अक्टूबर के अंतिम या नवंबर के पहले सप्ताह में निकल सकता है विज्ञापन। 19 अक्टूबर को ऐसा बोला जा रहा था कि नोटिफिकेशन आएगा दूसरे 2.0 का, लेकिन अभी तक नहीं आया। तो ये अच्छी खबर है, क्योंकि जो बचा हुआ जो रिजल्ट आने के बाद जो बचा हुआ सीट है प्रथम चरण का, वो सब ऐड हो जाएगा इस पर। उसके बाद ऐड होने के बाद आपको अक्टूबर के लास्ट या फिर नवंबर के फर्स्ट तक विज्ञापन यानी कि नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है 2.0 का। तो ये अच्छी खबर है जिसने बीएड किया उसके लिए, क्योंकि आप सभी को पता होगा कल रिजल्ट जैसे आया है 1 to 5 का, तो उसमें क्या हुआ, बीएड वाले को बाहर कर दिया गया, सिर्फ डीएलएड वाले का ही रिजल्ट बनाया गया। वो भी रिजल्ट में अभी देखना होगा कि रिजल्ट रिवाइज रिजल्ट आता है या नहीं आता है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारा गलतियां अभी सामने आ रहा है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ देखिए ये खबर जो है उसमें पढ़ेंगे आप। तो सरकार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण की तैयारी में जुट गई है। बीपीएससी की ओर से परीक्षा के सफल आयोजन के बाद अब दूसरे चरण की परीक्षा की जिम्मेदारी जल्दी देखने को मिलेगी। शिक्षा विभाग की ओर से दूसरे चरण के लिए 70,000 रिक्तियां पहले ही तय की जा चुकी थी। अब तक हम लोग वही जान रहे थे कि 70,000 वैकेंसी है, लेकिन पहले चरण में बची हुई जो 48,000 वैकेंसी है उसको जोड़ दिया जाएगा। तो ये संख्या कितना हो जाएगा, 1,20,000। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है गाइस, ठीक है। बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा इसका नोटिफिकेशन। जानकारी के माने तो आपको अक्टूबर के अंतिम या नवंबर के पहले सप्ताह में विज्ञापन देखने को मिल सकता है, नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो आपको दिसंबर का फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर को एग्ज़ाम हो जाएगा। अभी तो ऐसा ही पता चल रहा है कि 2 या 5 दिसंबर को एग्ज़ाम डेट होगा, लेकिन अब देखना है क्या होता है। खैर, शिक्षा विभाग ने पहले ही घोषणा कर दी है कि शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण की जिम्मेदारी बीपीएससी को ही सौंपी दी जाएगी। यानी कि जो आपका दूसरा चरण होगा 2.0 होगा, उसका भी एग्ज़ाम बीपीएससी ही कंडक्ट कराएगी। और आप सभी को पता है कि बीपीएससी इससे पहले क्वेश्चंस कितना टफ की थी, और जब क्वेश्चंस टफ हुआ उसके बाद जब पूछा गया तो अतुल प्रसाद सर जी ने क्या बोला कि जो भी क्वेश्चन टफ था उसके वजह से कटअप कम जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप देखे होंगे कल जो रिजल्ट आया 1 to 5 का, उसमें भी कटअप बहुत ज़्यादा गया। 60 नंबर लाने वाले बच्चे का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन वहीं पे 50 नंबर वाले का भी सिलेक्शन हो गया। अब देखना है कि कैसे रिजल्ट बना है। इसके बारे में जो अगर कुछ क्लियरेंस आता है विभाग की तरफ से तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अब यहाँ पर देखिए, बची हुई रिक्तियाँ जुड़ेगी, टोटल सब जो भी है इसमें जुट जाएगा। प्राथमिक शिक्षक में हिंदी माध्यम के 62,653 सफल हुए, और वहीं उर्दू माध्यम में 7,797 और बंगला में 19,059 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, ठीक है। यानी कि कुल जो है आपको 72,419 का रिजल्ट जारी हुआ है 1 to 5 का। बचा हुआ लगभग अभी 7,500-8,000 अभी भी वैकेंसी बचा हुआ है। तो शायद ये भी हो सकता है कि 1 to 5 के लिए भी दूसरे चरण में यानी कि 2.0 में कुछ वैकेंसी के साथ आ जाए नोटिफिकेशन, तो और अच्छा होगा। 70,000 से बढ़ जाएंगे, जल्दी भेजी जाएगा अध्याचना। तो आई हैव, ये अच्छी खबर है। अगर जिसका भी रिजल्ट नहीं हुआ है प्रथम टू चरण में फर्स्ट पेज में, तो आप लोग चिंता ना करें, दूसरे चरण में आपको मौका मिलेगा। और दूसरे चरण में यानी कि 2.0 का नोटिफिकेशन भी आपको 10 दिनों के अंदर देखने को मिल जाएगा, और 1 से 1.5 महीने में इसका भी एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि जल्द से जल्द एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है गवर्नमेंट को, क्योंकि इलेक्शन भी आने वाला है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।